सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब भाई? फ्री टाइम है, कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हो तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लाया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। आप भाई जब पूरी वीडियो को देख लोगे तो आप भाई अपने दोस्तों से कह सकोगे और अपनी थोड़ी तारीफ वारीफ कर सकोगे। सो गाइस, इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है, आप थंबनेल से समझ गए होगे। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स बताने वाला हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। उनके जो प्रोनंसिएशन है वो सेम होता है, पर उनकी स्पेलिंग्स और उनके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। कभी कभार तो उनकी स्पेलिंग्स भी सही से नहीं लिख पाते, जो जिस मीनिंग में हम उस वर्ड को लिखना होता है उसकी जगह दूसरा वर्ड लिख देते हैं स्पेलिंग। सो इस वीडियो में आपको उसी कुछ 10 से 12 आपको ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स बताने वाला हूँ, और आप ध्यान रखना, इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों से पूछ सकोगे कि भाई तुम्हें इसका मतलब पता है, इन दोनों के बीच में मतलब बताना जरा। ऐसे अपना थोड़ा तारीफ वारीफ कर सकोगे। इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को भाई सीख कर आप अपने दोस्तों को चढ़ाना और बस मजे करना, क्वारंटीन में व्हाट्सएप पे भेजना, और क्या कर सकते हो। और अगर वो उसको नहीं पता हो तो बोल देना भाई तुमने इंग्लिश वर्ड कि भाई वीडियो नहीं देखी लग रहा है। बस वीडियो देखना यार, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है एक्सीड। एक्सीड, दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक्सीड ही है, तो अब आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो गए होंगे। एक्सीड या बहुत सारे बच्चों को पता होगा। सो जो फर्स्ट वर्ड है गाइस वो है ACCED, और जो सेकंड वर्ड है गाइस वो है EXCEED। सो इनमें जो मेन फर्क है मैं आपको इनका मीनिंग्स बताऊंगा। जो गाइस ए वाला है, जिसकी स्पेलिंग है गाइस ACCED, उसका मतलब है गाइस स्वीकार करना, किसी की स्वीकृति लेना। अगर हिंदी में आप शुद्ध हिंदी के अंदर जाओगे तो इसका मतलब ये है कि ही डिड नॉट एसीड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। एसीड मतलब स्वीकार, जैसे एक्सेप्ट होता है उसी टाइप में एसीड मतलब भी यही होता है, स्वीकार करना या फिर एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। और जो दूसरा वर्ड है जो है हमारा EXCEED ही, उसका मीनिंग है किसी लिमिट को क्रॉस करना। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इट्स कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 500 रुपीज, इसकी कॉस्ट 500 रुपीज से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सो कैसे लगे आपको दोनों वर्ड? दोनों की भाई जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम एक्सीड, पर दोनों की मीनिंग्स और स्पेलिंग्स में चेंज है। तो ये वर्ड आप एक बार अच्छे से देख लेना। अब हम चलते हैं गाइस अगले वर्ड की तरफ। जो अगला वर्ड है वो है एसेंट। एसेंट, तो दो वर्ड है, पहला तो है ASSENT और दूसरा वर्ड है ASCENT। तो दोनों ही एसेंट है पर इनके मीनिंग्स डिफरेंट है। सो अगर हम पहले वर्ड की बात करें जो कि है ASSENT, तो इसका मीनिंग है स्वीकृति, फिर से वही जो हमने पहले पढ़ा था, स्वीकार कर लेना किसी चीज को। अगर मैं आपको उसका एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल है चेयरमैन हैज गिवन हिज एसेंट, उन्होंने अपनी एसेंट दे दी, उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। वही सेम जो मैंने आपको पहले वर्ड बताया एक्सीड का, वैसे यहाँ पे एसेंट ASSENT का मीनिंग भी यही है। सो आप इस वर्ड को अपने सेंटेंसेस में आराम से यूज कर सकते हो। सो जो अगला वर्ड है वो है ASCENT। सो ASCENT का मीनिंग है चढ़ाई, मतलब ऊपर की चढ़ाई। एस स्लोप, एसेंट मतलब को आप हमने बहुत सारे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एसेंट, तो मतलब एसेंट मतलब स्लोप होता है भाई, मतलब ऊपर की चढ़ाई। तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल, द हिल्स हैज अ शार्प एसेंट, ASCENT, तो मतलब आप समझ गए होगे इस इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस। तो अब हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। सो जो अगला वर्ड है वो है ब्राइडल। ब्राइडल आपने सुना होगा, ज्यादातर लोगों को पता होगा, ब्राइड से आप इसकी तुलना कर रहे होगे, मतलब वैसे ही उससे ही रिलेटेड है, मतलब दुल्हन जो कि हम हिंदी में बोलते हैं। तो दो वर्ड्स हैं, तो एक वर्ड है BRIDAL और दूसरा वर्ड है BRIDLE। तो लास्ट के यहाँ पे दो अल्फाबेट्स में डिफरेंस है, तो इन दोनों का मतलब समझो आप। जो BRIDAL है उसका मीनिंग है गाइज दुल्हन से संबंधित, मतलब वही जो ब्राइड हम आप समझ रहे हो, दुल्हन के जो कि जो दुल्हन के कामों से संबंधित है, दुल्हन के आसपास के रिलेटिव्स को हम कह सकते हैं, मतलब दुल्हन से किसी तरीके का उसका रिलेशन है। ठीक है, सो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, दिस इज द ब्राइडल चैम्बर, भाई ये ब्राइडल चैम्बर है, मतलब ब्राइड के जितने भी यहाँ पे रिलेटिव है वहाँ पे उस चैम्बर का नाम वहाँ पे ब्राइडल चैम्बर बोल दिया गया, वहाँ रिलेटिव बैठे होंगे भाई, ब्राइड से उनका रिश्ता कुछ ही तरह का होगा, तो भाई ब्राइडल तो वो मीनिंग है। अगर दूसरा ब्राइडल की बात करें जो कि होता है BRIDLE, तो उसको कहते हैं भाई घोड़े की लगाम। ओ भाई क्या डिफरेंस है यहाँ पे, देखो भाई एक है दुल्हन, दूसरा भाई घोड़े की लगाम। तो अगर हमने गलती से दोनों को इंटरचेंज किया तो भाई समझ जाओ क्या हो सकता है। इनको अच्छे से ध्यान में रख के चलना, तो भाई घोड़े की लगाम तो आप सभी को पता होगा। सो इसी के साथ अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। सो जो अगला वर्ड है वो है कास्ट। कास्ट समझ गए होंगे कुछ लोग तो, पर इनमें भी भाई चेंज, एक होता है CAST और दूसरा होता है CASTE।
ई का ई, सो ई अल्फाबेट का यहाँ डिफरेंस है, तो इन दोनों का मतलब समझाओ, जो CAST होता है ठीक है, कास्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर जो कास्ट होता है CAST, ओनली CAST, तो उसका मीनिंग होता है, तो उसका मीनिंग होता है फेंक देना, किसी चीज को हम फेंक दे, मतलब आई हैव कास्ट माई ओल्ड शूज, तो हम ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैंने अपने ओल्ड शूज को फेंक दिया, कास्ट मतलब फेंकना। दूसरा जो कास्ट है CAST, आप बिल्कुल आप करेक्ट हो, आप सबने सोच लिया होगा, मतलब जाति, जो हमारा जाति धर्म होता है कि आई डोंट बिलीव इन कास्ट, तो वो होता है CASTE। सो हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, जो अगला वर्ड है वो है डेजर्ट। डेजर्ट, अब तो ये तो आपको ज्यादातर लोगों को पता होगा, पर जब भी मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों को नहीं पता होगा ठीक है। तो भाई एक होता है डेजर्ट, एक होता है DESERT और एक होता है DESERT ठीक है। तो जो DESERT है वो मतलब रेगिस्तान, जो राजस्थान का रेगिस्तान है वो होता है डेजर्ट, और दूसरा होता है DESERT, जिसमें डबल एस है मतलब वो भाई कोई मिठाई है जो हम खाने के बाद खाते हैं, कोई स्वीट सी थिंग है जो हम ज्यादातर खाने के बाद खाते हैं। सो अब एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। सो जो अगला वर्ड है वो है ड्रॉट, डी स्पेलिंग नहीं बताऊंगा वो तो समझ ही जाओगे यार फिर। तो जो भैया स्पेलिंग है इसमें दो अलग अलग वर्ड है, एक होता है DRAUGHT और दूसरा होता है DROUGHT, तो ए और ओ का डिफरेंस है। कई बार आप गलती कर सकते हो भाई, अगर आप कोई आंसर भी लिख रहे हो अपने एग्जाम में तो गड़बड़ कर सकते हो ज्योग्राफी में ठीक है। तो मैं आपको मीनिंग बताता हूँ भाई, DRAUGHT का क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग है एक घूट, मतलब एक घूट पानी ठीक है। तो अगर मैं आपको उसका एग्जाम्पल दू, देयर इज ओनली अ ड्रॉट ऑफ वाटर इन द बॉटल, बस एक घूट पानी बचा हुआ है बॉटल में, DRAUGHT। और दूसरी की बात करूं DROUGHT, वो तो आपको पता है भैया सूखा पड़ना, भैया सूखा राजस्थान में जब बारिश वारिश नहीं होती तो भाई सूखा वूखा पड़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉट, जो कि आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो। DROUGHT है वो, AUGHT मतलब क्या है ना, उसका मतलब एक घूट होता है। सो अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, तो जो अगला वर्ड है वो है हार्ट। हार्ट, हार्ट जो धड़कता है अंदर से, आपको आवाज आती होंगी ठीक है। तो भाई हार्ट में यहाँ पे भी दो वर्ड होते हैं, पहला जो एक होता है HART, दूसरा होता है HEART। बहुत बच्चों को नहीं पता हो, जानने को मिल रहा है तो भैया लाइक कर दो इस वीडियो को इसी बात पे, हार्ट के नाम पे ठीक है। तो भाई HART होता है हिरन, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बताओ पता है कि नहीं पता, कमेंट में लिख के बताओ, नहीं पता होगा ठीक है। HART मतलब हिरन, ही किल्ड अ हार्ट, उसने एक हिरन को मार दिया। दूसरा जो होता है हार्ट, HEART भैया वो होता है भैया हार्ट अटैक आ गया हमें, तो वो तो पता ही आपको, इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, दूसरा जो वर्ड है वो है प्रैक्टिस। इसमें तो बहुत लोग गलत करते होंगे, भैया PRACTI ऐसी लगाए कि PRACTI सी ही लगाए, सी और एस में कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा गलत करते होंगे आप, 101% गारंटी है। सो आज इस वीडियो को देखने के बाद मीनिंग पता चल जाएगा दोनों का अलग अलग। सो भाई पहला वर्ड लेते हैं जो कि है PRACTISE, प्रैक्टिस, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अभ्यास ठीक है। ये एक नाउन है ठीक है, ये वर्ब नहीं है, एक नाउन है, प्रैक्टिस अभ्यास, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास। इसका एग्जाम्पल हूं तो डेट आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस नाउ अ डेज, मैं प्रैक्टिस से मतलब मैं ज्यादातर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा इन दिनों। और अगला जो वर्ड है वो है PRACTISE, ये है हमारा रियल वर्ड जो कि वर्ब है, अगर आप सेंटेंस में यूज करोगे तो इस वर्ड को यूज करोगे, वर्ब की तरह यूज करने में आप इस वर्ड को यूज करोगे। अगर एग्जाम्पल देखें तो यू मस्ट प्रैक्टिस रेगुलरली, तुम्हें प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए रेगुलरली, या फिर तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलरली। सो ये एक वर्ब है, वो एक नाउन है, दोनों का मीनिंग आप बोले भैया तो सेम है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, वो एक नाउन है, ये है अभ्यास करना, द प्रोसेस ऑफ डूइंग अभ्यास इज नोन एज प्रैक्टिस, PRACTISE, समझ गए अब तो। अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, जो अगला वर्ड है वो है प्रोसीड, या प्रोसीड बहुत लोगों को पता होगा, समझ लो, एक होता है PRECEDE और एक होता है PROCCED, तो दोनों में डिफरेंस क्या है भैया। तो जो प्रोसीड है PRECEDE, उसका मीनिंग है पहले आना, मतलब एग्जांपल भाई नवंबर प्रोसीड दिसंबर, भैया नवंबर दिसंबर से पहले आता है। और अगला जो वर्ड है वो है प्रोसीड, जो कि है PROCCED, मतलब भैया आगे प्रस्थान करना, जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं लेट्स प्रोसीड फर्दर, और वैसे ही हम भी लेट्स प्रोसीड फर्दर टू अवर नेक्स्ट वर्ड। सो भाई चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, तो जो अगला वर्ड है वो है प्रे, प्रे एक होता है भाई PRAY, एक होता है PREY। सो PRAY मतलब होता है भाई प्रार्थना करना, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भाई सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल, लाइक कर दो इस वीडियो को बस,
और तो दूसरा वर्ड है वो है पी आर ई वाई, मतलब शत्रु मतलब दुश्मन, वो आप मेरे कभी बनाना मत क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। इसी बात पे भी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सो अब चलते हैं भाई हम अगले वर्ड की तरफ। सो अगला वर्ड है वो है कॉन्फिडेंट, तो इसमें भी आप बहुत गलती कर दोगे। तो भाई एक स्पेलिंग है सी ओ एन एफ आई डी ई एन टी और दूसरी स्पेलिंग है सी ओ एन एफ आई डी ए एन टी, फिर और ए और ई का यहाँ पर डिफरेंस है। तो भाई मीनिंग दोनों के डिफरेंट नहीं कहूंगा पर समझ लो भाई, कॉन्फिडेंट जो होता है डी ई एन टी मतलब आत्मविश्वासी, कि आई एम कॉन्फिडेंट इन गेटिंग फुल मार्क्स, या फिर ही इज कॉन्फिडेंट इन गेटिंग सक्सेस। तो अगला वर्ड अगर हम देखें तो वो है कॉन्फिडेंट, सी ओ एन एफ आई डी ए एन टी, मतलब जिसपे विश्वास करा जा सके। ही इज माई कॉन्फिडेंट मतलब वो मुझ पे विश्वास करता है, मतलब आप उस जगह पे खड़े हो गए हो जहाँ पे लोग आपको, इस पे लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये डी ए ए और ई में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। सो अगला वर्ड वो है लास्ट वर्ड इस वीडियो का, वो है डिपेंडेंट। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही कॉन्फिडेंट जैसा, एक होता है डी पी एन डी एन टी और एक होता है डी पी एन डी ए एन टी, फिर ए और ई का यहाँ पे डिफरेंस। डी पी एन डी एन टी का मतलब भाई कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो, कि भाई आई एम डिपेंडेंट अपॉन माई फादर। और दूसरा जो होता है डी पी एन डी ए एन टी उसका मतलब कोई आप पे डिपेंड है, कि माई सर्वेंट इज माई डिपेंडेंट डी ए एन टी, सो मतलब वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई यही दोनों डिफरेंस है वर्ड्स में। सो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना पड़ेगा आपको, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, इतने वीडियो में मैंने 12 मिनट जितने मिनट बोला है तो उसको देखते हुए तो सब्सक्राइब करना बनता है। और भाई इंस्टाग्राम अकाउंट को मेरे फॉलो जरूर कर देना, ठीक है, फॉलो करते करते जरूर जाना। और अगर और ऐसी वीडियोस चाहते हो और वर्ड अच्छे अच्छे चाहते हो तो भाई कमेंट में लिख के जरूर बताना, मैं इसके और पार्ट्स भी अच्छे से लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय।